सत्तात्मनि सम्यक् दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म कृपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु गए भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान दे हो तत्व श्रद्धा चरण धारि केवल लभे पावे पद निर्वाण मेनि चंद आधार कर माधव चंद प्रधान नमो जास उचास दे जाने निज लब्धि सार को पाय है कर के सपना सार हो है प्रवचन सार सो समय सार है जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अंगों का उपदेश प्राप्त हुआ है उसमें से जो जीव कांड निगोमरसार जीव कांड का विषय है कि जीव की 20 प्ररूपणा प्ररूपणा ने विशेष व्याख्या ये हमारे ही पर्याय संबंधी संयोग संबंधी रागादि कषाय संबंधी ज्ञान संबंधी ये विवेचन है तो ये जो संसारी जीव है उनका विभिन्न अपेक्षाओं से हम विभाजन करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं उसको यहाँ हम देख रहे थे गुणस्थानों की बात हमने देखी फिर जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा इन प्ररूपणाओं के बाद अभी हम मार्गणाओं को देख रहे हैं गति मार्गणा की अपेक्षा जीव सारे ही संसारी जीव चार गतियों में विभाजित होते हैं इसलिए सिद्धों को कहीं कहीं पंचम गति भी कहने में आता है फिर उसके पश्चात गति फिर इंद्रिय इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा सभी जीवों के 5 डिवीजन होते हैं एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय फिर उनमें एक एक भेदों में जो अलग अलग प्रभेद और कहेंगे उसके भेद प्रभेद उसका वर्णन कहाँ कौन से जीव होते हैं कितनी इंद्रिय वाले कितनी संख्या में होते हैं उसकी बहुत विस्तार से चर्चा गति इंद्रिय फिर काय मार्गणा में हमने देखे थे कितने प्रकार के जीव देखे थे काय मार्गणा में कोई बताइए दो ही स्थावर और त्रस्थावर के 5 और त्रस्थ का 1 कुल मिला के 6 मार्गणा की अपेक्षा भेद पूछेंगे तो 6 बताएं 6 बताएं बराबर केवल त्रस्थ और स्थावर ऐसा हम कहेंगे नहीं क्योंकि 5 स्थावर अलग अलग काय वाले हैं स्थावर कहने से वो एक नाम कर्म का अपेक्षा से एक ग्रुप है परंतु उनकी प्रत्येक की काया जुदी जुदी है जुदी टाइप की है इसलिए उसकी अपेक्षा 5 स्थावर काय कहो तो ठीक है मेरे पृथ्वी काई का 5 भेद और एक है त्रस काई का 1 भेद ये हमने काय मार्गणा की भी चर्चा की थी गति इंद्रिय और काय ये हमने 3 बातें तो देखी उसमें बहुत विस्तार है और ग्रंथों में भी बहुत उसका विस्तार से वर्णन आता है फिर भी हम आगे बढ़ते हैं एक बात यह है कि सभी त्रस काई मिलकर भी जीव असंख्याति है अकेले वायु का एक अकेले पृथ्वी का एक अकेले अग्नि का एक और अकेले जल का एक हम देखें एक बूंद में असंख्यात है फिर भी पूरे लोक में भी मिलकर असंख्याति जीव अनंत नहीं है तो असंख्यात का भी कितना प्रमाण हो सकता है कि मेरे हम असंख्यात कहते हैं पर असंख्यात भी कितनी बड़ी राशि होनी चाहिए केवल वनस्पति ही ऐसी है ऐसी राशि है उसमें भी प्रत्येक वनस्पति का एक तो असंख्याति होते हैं ये साधारण वनस्पति का एक जिसको हम निगोद कहते हैं उनके शरीर कितने हैं निगोद के इस विश्व में पूरे विश्व में तो कहते हैं असंख्यात लोग जो संख्या है उसको 5 बार लिख कर आपस में गुणा करो इतने निगोद के शरीर और एक एक शरीर में अनंत जीव कितने अनंत सिद्धों से अनंत गुणे तो ये निगोद ही राशि ऐसी है जिसमें अनंत जीव पाए जाते हैं अन्य सभी पर्यायों में असंख्यात हाँ वो असंख्यात का बहुत अलग अलग वेरिएशन है उसमें क्योंकि असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं अभी कौन सा असंख्यात कहाँ है वो तो शास्त्रों में लिखा है अभी
हमारा ये प्रयोजन नहीं, हम तो बहुत स्थूल चर्चा यहाँ कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये योग मार्गणा क्या है उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो अभी हमारा क्राइटेरिया क्या है, योग की अपेक्षा जीवन के भेद। हमने देखा था योग ये गुण है, और मैं कुछ कहूँ, हाँ योग ये गुण है और ये कंपन ये उसकी विभाव पर्याय है। तो उसकी स्वभाव पर्याय क्या होगी, तो निष्कंप अवस्था। तो ये निष्कंप अवस्था कब होती है, और कहाँ पर, अयोग के लिए। योग यानी उसका जो विभाव परिणाम है उसको योग कहने की पद्धति। हमने आपको ब्लड प्रेशर पूछा था ना भाई, को उन्होंने बताया था हमको ब्लड प्रेशर नहीं है, हाँ अरे विभाव को ब्लड प्रेशर नहीं है, ऐसा कह रहे कम, यहाँ तो एक समय की बात भी बताएंगे केवल यहाँ। और हमें संसारी जीवों को लेना है तो उसमें अयोगी को रखना कि नहीं रखना, तो बिल्कुल रखेंगे। तो हम योग की अपेक्षा पर जीवों के भेद देखेंगे, तो हम उसमें इसे दो भेद कर सकते, योग सहित और योग रहित। योग रहित में वो तो अयोगी जीवों को कहेंगे, और योग सहित जीवों में फिर हम तीन भेद करेंगे, मनोयोग वाले, वचन योग वाले, काय योग वाले। देखो जिनको मनोयोग है उनको नियम से वचन योग और काय योग होगा ही होगा, क्योंकि मनोयोग कौन से जीवों के होता है, संगी पंचेंद्रियों के। तो संगी पंचेंद्रियों के वचन योग भी होगा, काय योग भी होगा। यानी जहाँ तीन योग है वो हर अंतर्मुख में, वो अंतर्मुख अत्यंत छोटा अंतर्मुख, हर अंतर्मुख में योगों का पलटना होता है। देखो योग अलग बात है, उसकी प्रवृत्ति अलग बात है। हम तो नमो त्रियोग समारी के कहते हैं छोड़ा लागे, परंतु वो बाह्य प्रवृत्ति की बात है कि उसको हम बाह्य प्रवृत्ति को रोक के हम उसमें उपयोग लगाते हैं, ये उसका अर्थ है। परंतु यहाँ जो योग की बात है जिसको हम कहेंगे, ये शरीर नाम कर्म का उदय है, यहाँ योग होता है, जीव कर्म और नौ कर्मों को ग्रहण करता है, और ये योग बहुत छोटे अंतर्मुख में पलटता ही रहता है नियम से, मनोयोग से वचन योग, वचन योग से काय योग, काय योग से, ये तो उलट पुलट उलट पुलट चढ़ता ही रहता है। ये तो श्रेणी के गुणस्थानों को काल इतना छोटा है उसमें भी अनेकों मान योगों का पलटना होता है। ग्यारहवें गुणस्थान का काल इतना अल्प है पर उसमें भी एक ही पर्टिकुलर योग थ्रू आउट नहीं रहेगा, पूरे अंतर्मुख बहुत छोटा अंतर्मुख काल है उसका, तो इसको कहते हैं योगों का पलटना होगा। कहाँ, जहाँ तीन योग है या जहाँ दो योग है। तो दो योग वाले कौन से जीव हो गए, पीछे कोई बताएंगे यहाँ पर, हाँ नितिन भैया बताएंगे, दो योग वाले कौन से हो गए, दो योग मैंने कौन से, काय योग और वचन योग, क्योंकि ऑप्शनल अन्य कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, तीन योग हो गए तो एक वचन योग होगा। देखो हमने वचन बल कहाँ से लिया था, द्विंद्रिय से, याद रखने के लिए जहाँ से रसना इंद्रिय वहाँ से वचन योग है, ऐसा आप समझो इंद्र है, यानी द्विंद्रिय से लेकर असंगी तक ये वचन योग होगा। यहाँ तक बात ख्याल गया नहीं, तो जिसके दो योग है उनका भी योगों का पलटना बहुत फास्ट होता है। केवल जहाँ एक ही योग पाया जाता है, एक ही योग वाले कौन से जीव हो सकते हैं, हाँ अकेले का योग करेंगे तो वो सभी का योग उसमें आ जाएगा। एक ही जीवों के कौन सा योग होगा, कारमान का योग, तो हम देखेंगे कौन से कहाँ होते हैं, विग्रह गति में जो मोड़ वाली गति से जाते हैं उनके कारमान का योग है, मोड़ के पहले पहले, वो किसी को एक समय, किसी को दो समय, किसी को तीन समय मैक्सिमम होगा, वो कारमान का योग। अब जहाँ जन्म लेता है, हमारा पर्याप्ति का प्रकरण हुआ था आपको याद है ना, तो दूसरी पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं होती तब तक वहाँ मिश्र काय योग चालू होता है। ये निवृत्ति अपर्याप्त का जो हम वह क्यों बताते हैं, क्यों बताते हैं, तो ये जो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है, ये जो लब्धि अपर्याप्त है उनके तो थ्रू आउट मिश्र ही योग होता है। फिर से अभी हम मनुष्य और की नियंत्रण की बात करते हैं,
मनुष्य जो संगी पंचेंद्रिय है कौन कौन से योग भोगे पहले ये नक्की करते हैं, तीनों तीनों में से अभी हम मन की और वचन की बाद में करेंगे, कहाँ योग की बात देखते हैं। तो संगी पंचेंद्रिय क्रियाएं या मनुष्य कहीं से मरकर आया तो विग्रह गति में कौन सा योग होगा उनको, कारण कार्य वो मोड़ वाली गति से आएगा। तो उसके पश्चात शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही उसको औदारिक का एक चल होगा, उसके पहले क्या होगा औदारिक मिश्र, ठीक है, ये तो रूढ़िगत उसको मिश्र कहेंगे, पहले कारवान था बाद में औदारिक होने वाला, तो बिना कारवान के जाएगा तो भी उसको मिश्र ही योग कहेंगे, तो उसका नाम है औदारिक मिश्र का योग। कुछ प्रश्न है? जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, वैकरिक शरीर की शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक क्या होगा वैकरिक मिश्र का योग। औदारिक शरीर की हम जब आए कहीं से मरकर और यहाँ माँ के गर्भ में आए, जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक कौन सा काय योग था औदारिक मिश्र का। जो छठे गुणस्थान वर्ती जिन जीवों के वो आहारक शरीर बनता है उसकी भी पर्याप्तियाँ पहले चालू होती है, उनके भी आहारक शरीर बनने का जो शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक कौन सा काय होगा आहारक मिश्र। यहाँ तक समझिए, शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही मनुष्य क्रियाओं के औदारिक काय चालू होता है, देवनारकियों के वैकरिक काय चालू हो जाता है, आहारक शरीर वालों के आहारक काय योग चालू हो जाता है, और फिर वो मन पर्याप्ति भाषा पर्याप्ति वगैरह वगैरह पूर्ण होने के बाद उनको यथा योग्य मनोयोग वचन योग भी अल्टरनेटिवली होता रहता है। तो इन्हें हम ऐसे आपको पूछते हैं देवों के कौन कौन से योग हो गए, टोटल आपको बताएं देव गति के जीवों के कौन कौन से योग हो गए, अब बताएंगे। नहीं उसके हम थोड़ा भेद मन के चार वचन के चार हो गए, हाँ और कोई होगा देवों के देव वचन के चार, वचन के चार मन के चार काय योग में कौन से हो गए। आप पीछे कोई बहन बोल रहे बोलो, उन्होंने वैकरिक और वैकरिक मिश्र बोला और कोई होगा क्या, वैकरिक होगा ना, वैकरिक मिश्र नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जब जन्मेंगे तो होगा कि नहीं, तभी की बात हम पूछते टोटल कितने हो गए। देखो विग्रह गति में भी उनको देव गति कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो कारमान का योग भी होगा। देखो विग्रह गति से हमारे गति नाम कर्म आयु नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है, विग्रह अभी मनुष्य मर गया और देवों में उत्पन्न होने के लिए विग्रह गति में है तो उसको देव कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, उसका देव गति का उदय चालू हो गया, देवायु शुरू हो गई उसकी, उस जीव को हम देव कहेंगे, तो उसके देव को कौन सा योग है वहाँ पर कारमाण का योग, समझ में आई बात। फिर वहाँ गया जो उपपाद शैया में उत्पन्न होते हैं तो वहाँ छह पर्याप्ति में से दूसरी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक क्या कहेंगे मिश्र का योग, आसान ही और फिर बाद में वैकृत का योग शुरू होगा, फिर वचन योग मनोयोग, फिर अल्टरनेटली जो यथा योग है उसका पलटना चलता है, कब तक मरण तक तो चलता है, फिर मरण के बाद अभी देव देव है तो नियम से मनुष्य तीरेंच में आएंगे, अब जो देव मरकर अभी मनुष्य में आ रहा है उसके कौन कौन से योग कैसे हो गए कौन बताना चाहेंगे, अभी बताएंगे। हाँ बोलो भाई, कारमान पहले कारमान का योग होगा, फिर औदारिक मिश्र, बहुत अच्छा औदारिक मिश्र शरीर पर्याप्ति तक औदारिक औदारिक का योग, फिर मनोयोग और वचन योग भी होगा, समझ में बहुत आसान बात है, यानी विग्रह गति में कारमान का योग वो भी किसको होगा जो मोड़ से आता है उसको, बिना मोड़ से आएगा उसका क्या होगा डायरेक्ट औदारिक मिश्र कारमान नहीं होगा, उसको कारमान का योग नहीं होगा, नहीं समझे।
तेज शरीर को कहा योग में नहीं लेता है। तेज शरीर तो हर समय चल रहा है, मिलता है नहीं, वो अनादि से हर समय है। जैसे कारमान शरीर अनादि से पड़ा है, तेज शरीर भी अनादि से पड़ा है। तेज शरीर के कारण लोग योग की अलग से चर्चा नहीं करते, वो तो शरीर उसका हर समय, उसका उदय भी चल रहा है, उसका ग्रहण भी चल रहा है। कुछ कारण नहीं, बस ऐसा है उसका कुछ, क्योंकि उसमें अलग से कोई निमित्त नहीं बनता है जीव के परिणामों में, इसलिए उनकी चर्चा आती है। खासकर तेज शरीर का ऐसा भी कुछ ज़्यादा कार्य यानी उसमें नहीं हमको पता चलता ना, उसका कार्य क्या होता है। शरीर में जो उष्णता है, तेज है यानी कांति है, उष्णता है, वो उससे होती है, उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करते। फिर उसकी कितनी मैक्सिमम स्थिति हो सकती है, क्या होता है, वो इतनी चर्चा है, बहुत उसकी चर्चा शास्त्र में नहीं है। तेज शरीर सा है ही है, परंतु यहाँ औदारिक शरीर का ही स्पर्श गुण में परिवर्तन हुआ। औदारिक शरीर का ही वो उष्णता गुण स्पर्श गुण का परिणाम चलता रहता है, और उसमें वो तेज के निमित्त हम कह सकते हैं, परंतु मरण के बाद क्या होता है, ठंडा पड़ता है, तेज शरीर निकल गया है वहाँ से, बिल्कुल वहाँ तो कह सकते हैं। पर ऐसे हमारा अभी बहुत पसीना आया, शरीर ठंडा पड़ा, वो उसमें तो नहीं नहीं कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं, तेज शरीर का अलग ही कार्य है। और उसकी ज्यादा अलग अलग नहीं, वैसे कांति वाला वो आधे अनादे उसमें भी आता है, उसमें उसका भी कार्य कांति में लेते हैं, आधे उसमें भी आता है। फिर देखो ये शरीर में कांति है, उसमें वो निमित्त इस तरह से बताया जाता है, परंतु तेज शरीर का भी कार्य वही बताया जाता है। अभी हम योग के बारे में देखेंगे, तो हमने देखो ये समय फिर से विग्रह गति में जो गमन होता है पर भव में, वहाँ जीव ने पहले वाला भव का शरीर तो वहाँ छूट गया, अभी उसके साथ कारमण और तेजस शरीर है और जीव स्वयं है। परभों में जब गमन होता है तो उसका नियम क्या है, आकाश की सीधी श्रेणी में गमन होता है, पूर्व या पश्चिम, दक्षिण या उत्तर, ऊपर या नीचे। संसार अवस्था में कभी भी उसमें उसको ऊर्ध्वगमन स्वभाव नहीं है, बिल्कुल अंडरलाइन करके याद रखना है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव आठों ही कर्मों का नाश होने के पश्चात ही प्रकट होता है, उसके पहले कभी भी नहीं। इतनी तो व्याख्या में छह दिशाओं में गमन करने का स्वभाव है विग्रह गति में। अब उसको जो कहीं एक कोने से मान लेते यहाँ बैठे है, वहाँ उस कोने में जन्म लेना है, ऐसा तिरछा गमन नहीं होता। ऐसा भी सीधी पथ सतह पर एक लेवल पर भी तिरछा नहीं गमन होता, आकाश की सीधी पंक्तियों में पहले वहाँ तक चला जाएगा, फिर और एक मोड़ है 90 डिग्रीज में मुड़ेगा, तो 90 डिग्रीज में हॉरिजॉन्टल भी मुड़ सकता है, वर्टिकली भी मुड़ सकता है, क्योंकि उसको उस दिशा में वहाँ पहुँचना है। तो जैसे वो मोड़ लेके जाता है, तो वहाँ एक मोड़ लेकर वहाँ गया और एक मोड़ लेकर ऊपर गया, उस कोने में पहुँच गया। अगर लोकाकाश क्यूबिकल होता तो दो मोड़ से अधिक मोड़ नहीं लगते कहीं पर भी पहुँचने के लिए। इसलिए त्रसनाली में से त्रसनाली में जन्मने वाले दो मोड़ से अधिक नहीं लगते उसको, क्योंकि वो तो क्यूबिकल है ना, ऊपर से नीचे तक क्यूबिकल है। और जो पंचेंद्रिय जीव में मरकर कहीं पर भी चले जाते हैं एक इंद्र में, उनको भी दो मोड़ से अधिक नहीं लगते। तो तीन मोड़ कौन से किस जीव को लगते, तो मात्र सूक्ष्म जीवों को लगते। देखो यहाँ आपके 19 पेज पर इसकी फिगर भी बताई है, वहाँ एक क्यूब बताया है, और ये गमन कैसा होता है इसके लिए भी उसका एक चार्ट जैसे बनाया है, फिगर बनाई है। तो सीधी पंक्ति में गमन का अर्थ क्या है, जैसे पहली वाली जो लेफ्ट साइड की फिगर है उसमें स्क्वायर स्क्वायर बताए हैं, यानी आड़े और ऐसे धागे जैसे होते हैं ना अपने वस्त्र में, वैसे बताया। तो उसमें वो जो डार्क लाइन है, पहले ऊपर सीधी गई फिर राइट एंगल में मोड़ कर चले, वो मोड़ हुआ, उसको मोड़ कहेंगे, टर्न लिया उसने। अभी बाजू में एक क्यूब बताया है, तो उसमें दो मोड़ कैसे हो सकते, उसको मैंने लिखने की कोशिश की, मिला 19
उसमें पेज नहीं है क्या? नहीं नहीं, कभी कभी पेजेस मिसिंग होते हैं, मिल गए। हाँ देखो, यानी क्यूबिकल अगर कोई होता ना तो दो मोड में पहुंच जाता, कहीं से भी कहीं पर भी। अब जो सूक्ष्म जीव है कहाँ पर स्थित है? लोकाकाश के नीचे के बाहरी हिस्से में स्थित है, और उनको मान लेते हो ब्रह्म स्वर्ग जो ऐसा फिर आउटर प्रोजेक्शन है, वहाँ बाहर की ओर जाना है तो सीधा ऊपर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? क्या होगा? अरे आलोकाकाश में से जाना पड़ेगा, तो जीव को भी आलोकाकाश में जाता ही नहीं, लोकाकाश के बाहर किसी जीव की विद्यमानता नहीं है, तो उसको क्या होगा? बीच वाले एक राजू एरिया में आना पड़ेगा। वहाँ तक आया, फिर एक मोड़ लेकर ऊपर चढ़ गया, फिर बाहर की ओर जाना है, दूसरा मोड़ लेकर वहाँ गया, परंतु उसी लेवल में नहीं है, दक्षिणोत्तर दूसरी लेवल में है, तो और एक मोड़ लेकर पीछे चला गया। इस तरह से सूक्ष्म जीवों को ही तीन मोड़ लग सकते हैं पहुँचने में, चार समय। बाकी अन्य जीवों को, अन्य बादर एक के लिए भी दो मोड़ में वो पहुंच जाते हैं, ऐसा शास्त्र का कथन है। ये सर्वत्र इसकी चर्चा नहीं होती, बस किसी को तीन मोड़ लगते बस इतना ही बताते हैं। तो ये उसके जो मोड़ की बात है, तो मोड़ तक, एक मोड़ तक को एक समय के लिए अनाहारक है। अनाहारक ने कारवाण का योग है, जहाँ कारवाण का योग है वहाँ अनाहारक भी है। अभी तो इतना ख्याल रखो, आप कहेंगे चौदह गुण स्थान वाला भी अनाहारक है तो वहाँ योग ही नहीं है, उसकी बात हम बाद में करेंगे आहार कारगणा में। परंतु यहाँ ये ख्याल में रखना, विग्रह गति में जहाँ कारवाण का योग होता है, यानी कहाँ होता है, जितने मोड़ है उतने समय के लिए कारवाण का योग है। एक मोड़ वाला एक समय के लिए, दो मोड़ वाला दो समय के लिए, तीन मोड़ वाला तीन समय के लिए, और जो बिना मोड़ से जाता है सीधी गति में पहुंच जाता है उसके कारवाण का योग होता ही नहीं। तो यहाँ पर भी आहारक था, शरीर के परमाणु ग्रहण किए, नेक्स्ट समय में दूसरे भाव के शरीर के परमाणु ग्रहण किए, उसको बीच में कारवाण का योग नहीं रहा, तो डायरेक्ट उसका मिश्र का योग चालू होगा। देव में नरक में जाएगा तो एक ही मिश्र, और मनुष्य की रेंज में जाएगा तो औदारिक मिश्र। कुछ प्रश्न है आपको बेन? आहारक शरीर केवल मुनियों के होता है, तो जो मुनि जब आहारक शरीर बनाएंगे तो कौन से योग में विद्यमान होंगे तब आहारक शरीर बनाएंगे? तो उनके बीच में कारमान होगा कि नहीं होगा, ये मेरा पहला प्रश्न है। क्यों? वो छठे गुण स्थान करती है तो उनको मनोयोग में होंगे, वचन योग में होंगे, या औदारिक काल योग में होंगे। मिश्र का सवाल नहीं वहाँ पर, मिश्र तो जब कहीं से मरकर आए थे उस जीव ने, तभी मिश्र था उसके। ऐसे मुनिराज को मनोयोग, वचन योग या औदारिक का योग था, अब वो पहले में पहले आहारक मिश्र होगा, फिर आहारक का योग और आहारक संबंधी मनोयोग वचन योग, उस शरीर के लिए भी मनोवचन योग होते हैं। फिर मूल शरीर में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? औदारिक शरीर मनोयोग वचन योग, औदारिक का योग मनोयोग वचन योग चालू हो जाए, ये उसका स्वरूप है। देखो कारमान का योग जो है वो वहाँ कारमान के परमाणु का ग्रहण चल रहा है, और वो कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में होता है। कारमान का योग तभी बताया जाता है, वैसे कर्म का ग्रहण हर समय है, परंतु मैंने बताया ना ये तो कहाँ कौन से योग बताए जाते हैं, इसका इसी पद्धति से हमको अर्थ लेना। वैसे कारमान शरीर का उदय भी हर समय चल रहा है, निरंतर अनादि से लेकर तेरे के अंत तक, और कर्म का ग्रहण भी हर समय चल रहा है, परंतु कारमान का योग केवल यहाँ विग्रह गति में बताएंगे, और केवली समुद्रात होता है तो प्रतर, लोकपुरण, फिर प्रतर, तीन समय के लिए कारमान का योग बताया जाएगा, अदरवाइज कहीं पर भी कारमान का योग नहीं पाया जाता। ये बात ख्याल में? बहुत डिफिकल्ट हो रहे हैं। यहाँ यही समझना है कि पंचेंद्रिय जीवों के योग पलटते रहते हैं, दिनियों के भी पलटते रहेंगे, एक ही जीव लगातार उसका कौन सा औदारिक कायोग, जो लंबी वाला एक आयु वाला एक इंद्रिय जीव है ना, उसका वो औदारिक कायोग अधिक से अधिक काल तक रह सकता है। तो एक इंद्रिय जीव में लंबी आयु कौन से जीव को होते मालूम है? आपने तो सुना होगा, एक इंद्रिय जीव में
सबसे लंबी आयु वाला कौन सा जीव है? पृथ्वी गाय। पृथ्वी गाय कितना होता है? बाईस हजार वर्ष वाला ये जिसको हम खरा पृथ्वी का एक कहते हैं, नहीं तो अपने वीरा मानक वगैरह जो कोई उसमें होगा कोई ऐसा, तो कहते अंतर्मुख तक, पहले अंतर्मुख में औदारिक मिश्र रहा उस जीव का, फिर औदारिक का योग, वहाँ तो वचन योग और मनोयोग है ही नहीं, तो योग पलटने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पूरे लाइफ टाइम तक उनका कौन सा योग रहा? औदारिक का योग। फिर मर के अन्य भाव में जाएंगे तो क्या होगा? बीच में मिश्र तो होना ही होना है, कारमान तो जिसको कहेंगे कि ऑप्शनल है, सीधी गति से जाएंगे तो कारमान नहीं होगा, परंतु औदारिक मिश्र तो होना ही होगा। यानी ऐसा आता है ना शास्त्र में कथा, लगातार असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक जीव रहा, तो क्या उसका अकेला औदारिक का योग लगातार रहेगा? औदारिक का योग तो एक भाव में थोड़ा कम इसलिए क्या कि मिश्र हमेशा होगा ही होगा, परंतु हम औदारिक और औदारिक मिश्र का भेद नहीं करेंगे और आपको पूछेंगे का योग में लगातार जो कितने काल तक रह सकता है। फिर से विचार करना, हम आप है का योग में अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रह सकते, तो ऐसा कोई एक जीव है कि का योग में लगातार भी जो औदारिक है के मिश्र है के कारमान है उसका कोई भेद नहीं करना है और वो का योग में लगातार रहा तो कितने लंबे काल तक रहेगा? 22,000 अनंत काल तक रहे, जो एक इंद्र में रहने का उत्कृष्ट काल जिसको कहेंगे असंख्यात पुद्गल परावर्तन, वो का योग में रहा, क्योंकि मिश्र हुआ तो भी का योग है, औदारिक हुआ तो भी का योग है, कारमान हुआ तो भी का योग है, तो लगातार वो का योग में अनंत काल तक रहा। इसे हम कैसे ख्याल में अपेक्षा समझना है, योग की बात चल रही है, यहाँ काय से संबंध नहीं है, हम आप काय वाले हैं परंतु मनोयोग और वचन योग भी होता है, हम काय योग में लगातार की बात करते हैं, इसको काय योग समझ में आई ना बात? कोई प्रश्न है तो पूछना, अभी इसमें बहुत डिटेल्स है, योग क्यों होता है क्या होता है, क्योंकि योग क्या है तो उसमें भी दो शब्द आते हैं, भाव योग और द्रव्य योग। भाव योग यानी क्या? कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति, शक्ति यानी यहाँ वो विभाव ही समझना है, क्योंकि कर्म और नो कर्म को ग्रहण करना अच्छी बात थोड़ी है, और वो सिद्धों के नहीं हो रही है, अयोगी के नहीं हो रही है, परंतु हम आपके होती है, तो क्यों होती है? क्योंकि एक ख्याल में रखना, जहाँ जहाँ विभावों की चर्चा होती है वहाँ वहाँ कर्मों का निमित्त होता है, कर्म कुछ नहीं करते, हमें तो ये बात सिद्ध करनी है बस, वहाँ निमित्तों का कथन होता है, क्योंकि योग वाले सयोगी को योग है और अयोगी को नहीं है, यानी चार घाती कर्मों तो कुछ योग में कार्यकारी नहीं, ये तो नक्की हुआ ना, नहीं समझे? सयोगी को योग है, सयोगी कौन? तेरहवें गुणस्थान वाले अभिनंदन, उनको योग है, कौन सा योग होगा? मनोयोग होगा कि नहीं होगा? उपचार से बताएगा, उपचार से कहते और वचन योग है कि नहीं है? उनकी वाणी कितने ना वचन योग है, तो ये इतने उनके कोई कौन से है उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सत्य है और अभय है वगैरह कहते क्यों है क्या है उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, केवल हम मनोयोग उपचार से बताया है कि हम आप मनोयोग पूर्वक है वो विचार पूर्वक कुछ बोलते हैं इसलिए वो मनोयोग उनको स्वीकार किया है वो उपचार से, परंतु वचन योग तो उनके है ही है क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, और जो मूक केवली है जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं भी खिलती है
उनके भी वचन योग और काय योग का परिवर्तन मनोयोग का भी होता है। मनोयोग इसलिए भी बताया कि वहाँ द्रव्य मन है तो उसके भी परमाणु लेकर उसकी रचना वो भी कार्य चलता है। मन के द्वारा जानने का कार्य नहीं चल रहा है पर मनोवर्गणाओं का ग्रहण वहाँ पर भी चल रहा है, इसलिए उनके मनोयोग भी कहीं में आता है। तो ये सामान्य से उसके भेद है। अब यहाँ जो सत्य असत्य उभय अनुभय जो भेद बताए हैं तो उसकी शास्त्रीय परिभाषा ऐसी है कि सत्य पदार्थ को कहना कथन करना वो है सत्य वचन योग, और सत्य पदार्थ के बारे में जो हमारा सोचना है उस संबंधी विचार चलते हैं, मन के द्वारा जो कार्य चलता है स्मरण आदि जो है उसको कहते हैं सत्य मनोयोग। तो प्रश्न हमारा ऐसा है कि पदार्थ सत्य और असत्य कैसे हो सकता है, पदार्थ उभय और अनुभय कैसे हो सकता है, क्योंकि सत्य पदार्थ को कहने वाला वो वचन योग सत्य वचन योग ऐसा कहा है। आप निकालिए वो योग वाला प्रकरण निकालो, प्रश्न ऐसा हो और शास्त्र में ही उसको उदाहरण लेके समझाया है। अभी वो जो योग मार्ग ने बहुत विस्तार से वर्णन है उसका कि कितने प्रकार के सत्य होते हैं, 10 प्रकार के सत्य वगैरह वगैरह, पर हमें उसमें नहीं जाना है। तो सत्य पदार्थ किसको कहना उसकी हम बात यहाँ देखते हैं। देखो पेज नंबर है 148 में तो है, देखो 147 की लास्ट लाइन यहाँ से शुरू हुआ है, पेज नंबर 147 लास्ट लाइन। सत्य असत्य उभय, देखो उभय का अर्थ होता है दोनों, जो सत्य भी है और असत्य भी है उसको कहेंगे उभय, और जो सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं उसको कहेंगे अनुभय। तो सत्य असत्य उभय और अनुभय रूप जे पदार्थ हो, पदार्थों को ही सत्य असत्य कहेंगे कोई छे, तेवने जानवानी जीवनी प्रवृत्ति थाय त्यारे ते चार प्रकारना मनोयोग संभवे छे। वो जो जीव की प्रवृत्ति होती है वहाँ जो प्रदेशों का हलन चलन होता है उसको योग कहते हैं। प्रवृत्ति जुदी बात है और योग जुदी है। ते पदार्थों कथन करवानी जीवनी प्रयत्न रूप प्रवृत्ति थाय, देखो जीव तो अरूपी है उसके प्रदेशों का हलन चलन होता है, परंतु मान लेते हैं ना, इमेजिन करो कि यहाँ तक तो ये तो उद्गल की बने हुए शरीर की जो हाथ उंगलियाँ वगैरह मान लेते हैं जीव के प्रदेश यहाँ तक फैले, आगे तो आगे भी उंगलियाँ जीव की ऐसी फैली हुई ऐसा कहो तो वहाँ ऐसा करने से थोड़ी कुछ कार्य होगा, उसमें थोड़ी कुछ चीज़ें पकड़ में आती हैं। अरूपी है तो उससे कुछ नहीं होगा, ये रूपी है ना, तो प्रवृत्ति रूपी में होते परंतु उसके पीछे के जीव प्रदेशों का हलन चलन होगा। तो जीव के प्रदेशों की जहाँ कुछ विशिष्ट कंपन आदि होते हैं उसको यहाँ योग कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं वो प्रवृत्ति को योग कहते हैं। अब देखो सत्य असत्य प्रकार पदार्थ माध्यम संभव है तेनो दाखलो जोइए। पानी ने पानी जाणवू ये सत्य छे, इन्हें पानी को पानी कहना ये भी सत्य है। और ये मृगजल नाम सुना है क्या? तो वो जल है क्या? जल नहीं है, परंतु विशिष्ट जो हम कहते उष्ण प्रदेशों में दूर से ऐसा भासित होता है कि वहाँ कोई कार खड़ी है, कोई वृक्ष है तो उसका प्रतिबिंब जैसा भासित होता है, वहाँ जल है ऐसा लगता है। और जो हम मालूम है हमें कि जो ऐसे उष्ण प्रदेशों में जो वो प्राणी होते हैं वहाँ के, वो तो तरसे हुए वो भागते हैं वहाँ तक, वहाँ जाते तो और वो दूर दिखता है। तो उस जल से ना प्यास बुझती है ना हम स्नान कर सकते हैं, फिर भी उसको जल कह देते हैं। ये कहना कैसा है? असत्य, यही कह रहे हैं हम। देखो पानी ने पानी जान हुए सत्य छे, कारण ते पानी की तरस छुपाई छे। मृगजल ने पानी जान हुए ते असत्य छे, कारण तेरी वड़े स्नान पानादि क्रिया कराती नहीं। यहाँ तक तो समझ में? कमंडल ने घट जानवो ते उभय छे, तो कमंडल का यूज क्या होता है? उसमें हम पानी भरते हैं, पर घट में क्या भरते हैं? उसमें हम पानी भरते हैं। उस अपेक्षा से दोनों को हम समान कह सकते हैं। कमंडल ना घटनी जेम पानी भरी शकाय माटे सत्य छे, पर कमंडल ना आकार घट जेवो नथी माटे असत्य, इसलिए उसको क्या कहेंगे? उभय। उभय कहेंगे। अने जे पदार्थोनो विशेष निर्णय थतो नथी माटे ते सत्य नथी, अने सामान्य रीते तो जनाई गयो माटे ते असत्य पण नथी, आने अनुभय एम कहेवामां आवे छे। यानी वो सुना तो हमें ऐसा होता ना
सुना तो खरा परंतु वो क्या है वो ख्याल में नहीं आया। देखा तो स्पष्ट ख्याल में नहीं आया क्या देखा, मैंने देखा इतना तो हो गया परंतु वो पदार्थों का निर्णय नहीं हुआ, इस तरह से भी हो सकता है, इसलिए उसको अनुभव भी कहते हैं। ऐसे मनोयोग और वचन योग में ऐसे ही दोनों को लगाना, बस इतनी बात है। इसके डिटेल में अभी हमको नहीं जानना है। ये तीन प्रकार के मनोयोग वचन योग और काय योग, ये तीन प्रकार पाए जाते हैं। अब ये जो इतने भेद प्रभेद हैं ना, उसको गुण स्थानों में भी लगा कर हम देख सकते हैं, क्योंकि इतना अभ्यास नहीं है यहाँ पर, फिर भी जिन गुण स्थानों के साथ मर कर अन्य भाव में जाता है तो मिश्र अवस्था में वो, यानी जिसको हम कहेंगे कि निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में वो गुण स्थान चलता है, तो वहाँ वो औदारिक मिश्र या वैकृत मिश्र होगा। जैसे मिथ्यात्व अवस्था में इनमें से कौन कौन से योग नहीं होंगे, बहुत अच्छा सबने वही उत्तर दिया, आहार पर आहार मिश्र नहीं होगा क्योंकि वो छठे गुण स्थान है, बाकी सब होंगे कि नहीं होंगे। और दूसरे गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान के साथ मरकर कोई मनुष्य तीन इंच में भी जा सकता है, देव में भी जा सकता है, हाँ नरक में नहीं जाता पर देव भी जाता है, तो ये सब हो गए कि नहीं हो गए, आहारक तो छोड़ ही दिया हमने, आहारक तो छठे में ही कंसिडर करो, छठे के पहले आहारक को लेना ही नहीं, तो दूसरे गुण स्थान में बाकी सब है कि नहीं है, तीसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है, मरण नहीं। तो तीसरा लेकर कोई निवृत्ति अपर्याप्त हो जाए ऐसा नहीं है, इसलिए जो जो मिश्र का योग हमने औदारिक और वैकृत मिश्र को लिया, आहारक को तो छोड़ ही दो पर वो भी नहीं हो, इस तरह से हमको थोड़ा सोचना। चौथे गुण स्थान के साथ दूसरे भव में कोई जाता है कि नहीं जाता, जाता है, तभी आहारक की बात छोड़ो बाकी सब उसको होगे कि नहीं होगे। देव में जाने वाले को वैकृत मिश्र भी होगा, बाद में वैकृत भी होगा, ये कारमान का योग में भी समय दर्शन के साथ जाएगा ना, जो मरकर सम्यक्त के साथ मरकर अन्य भव में गया है तो विग्रह गति में भी उसका सम्यक्त चल रहा है, वहाँ निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में भी सम्यक्त चल रहा है, ख्याल में आती है ना बात ये। अब पांचवें गुण स्थान में ये मिश्र वाले नहीं होंगे क्योंकि पांचवें गुण स्थान के साथ कहीं अन्य भव में जन्म नहीं होगा, यहाँ कोई पांचवें गुण स्थान में छठे सातवें या ऊपर कहीं पर भी मरता है तो देव में जाएगा, चौथे में आता है, विग्रह गति के पहले समय से चौथे में आएगा, इस तरह से हमको उसको सोचना है। एक ख्याल में रखना औदारिक मिश्र जो है वो तेरहवें गुण स्थान वाले को होता है, वो कब होता है कोई बताना चाहते है? होता है एक समय के लिए होता है, कब होता है, हाँ समुद्र, अभी समुद्रघात का नाम बताना है, केवली समुद्रघात में दंड है, कपाट है, प्रतर है, लोक पूरण है, फिर प्रतर है, फिर कपाट है, फिर दंड है और फिर मूल शरीर में प्रवेश करते हैं तो कपाट अवस्था जो है उसमें उसके औदारिक मिश्र का योग होता है, यानी कारमान होने के पहले एक समय, पहले औदारिक काय था, औदारिक मिश्र हो गया, फिर कारमान का योग हुआ, इस तरह से। अभी आपका विषय नहीं हुआ है क्योंकि गुण स्थानों की इतनी डिटेल में अभ्यास नहीं है, योग कौन से होते हैं मालूम नहीं है, परंतु एक थोड़ा नमूना तो बताया आपको है ना अब आगे बढ़ते हैं, ये योग मार रहा है, हाँ देखो यहाँ सत्य कहने से वो तो अलौकिक सत्य की भी बात नहीं है, सत्य के 10 प्रकार बताए, वो जनपद सत्य आदि जो बताए आप जीव कांड में देखना, तो यानी वहाँ वो सत्य है वो तो जीव द्रव्य, अभी वो पुस्तक को पुस्तक कह रहा है कि नहीं कह रहा है, जान रहा है कि नहीं जान रहा है, उसके वही सत्य है उसके। देखो जिस भाषा में जो है उसको उसको सत्य नहीं कहेंगे, वो आप 10 प्रकार के सत्य समझेंगे ना तो उसमें बहुत विस्तार से बताना है। एक होता है सापेक्ष सत्य नहीं कहते, हम कहें ये लंबा है, अरे लंबा है वो तो शॉर्ट की अपेक्षा से लंबा कहेंगे, हमारे इंडियन में जिसको हम लंबा कहते वो अमेरिका में जाता है तो ठीक ना कहेगा,
ये इसको सापेक्ष सत्य भी कहते हैं, आप इसे रिलेटिव रिलेटिव ही ली वो सत्य कहने में आता है, बहुत ऐसे प्रकार है उसके। तो मिथ्या दृष्टिकोण नहीं होता ऐसा नहीं, क्योंकि केवली को भी अनुभव कहने में आता है, तो असत्य क्या बोलते हो, असत्य नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनकी वाणी जब तक हमारे कानों में पड़ती हुई है और वो शब्द रूप नहीं परिणती तब तक हम हमको बोध नहीं होता है, तो उसको भी अनुभव में डाला है, ख्याल में आती है ना। फिर अपेक्षा समझना शास्त्र, अभी आगे की कौन सी मार्गणा है, यो हाँ वेद मार्गणा। अब वेद मार्गणा के बारे में भी बहुत कन्फ्यूजन्स चलते हैं, फिर भी देखते हैं जा पेज नंबर वो नेक्स्ट 149। देखो हमने अभी तक जो योग मार्गणा में देखा तो क्या देखा था, कुछ योग सहित है कुछ योग रहित। योग रहित में केवल 14वें गुणस्थान वृत्ति को कहा था, बाकी सब योग वाले थे और किसकी में क्या योग है हमने देखा। जब वेद की बात आती है तो वेद में भी ऐसा ही होगा, वेद सहित जीव और वेद रहित जीव। तो वेद रहित जीव कौन कौन से होते हैं, जो हमने संज्ञा में भी देखा था, मैथुन संज्ञा कहाँ तक होती है वहाँ तक हम वेद सहित कहेंगे, और जहाँ वेद कषाय उनका उदय मिट जाता है उसको अपगत वेदी ऐसा शास्त्र में कहते हैं, अवेदी अपगत वेदी, वेद का उदय मिट गया है यानी अभी वो वेद रहित कहेंगे उनको। वेद रहित कहने से द्रव्य वेद से रहित नहीं होने वाले। जब वेद मार्गना है सर्वत्र भाव वेद की ही चर्चा होती है, वो जिनके भावों की ही चर्चा है, तो जो द्रव्य वेद यानी शरीर का जो चिन्ह है वो तो नाम कर्म के उदय में होता है, उसको द्रव्य वेद कहने में आता है। अभी हम यहाँ से परिभाषा देखेंगे, नाम कर्म ना उदय थी पुरुष स्त्री के नपुसक शरीर तैयार खाए तेने द्रव्य वेद कहे। अब भाववेद किसको कहेंगे, परिणामों अने परस्पर अभिलाषायुक्त मैथुन संज्ञान धारक जीव भाव वेद वालो जीव छे, यानी उसके जो कुछ कर्म के उदय है और उसके अनुसार उसके जो कुछ सेक्सुअल जो अट्रैक्शन जिसको हम कह सकते हैं उसको भाव वेद कहने में आता है। तो ये जो भाव वेद है तो जनरली इन एवरेज जैसा द्रव्य वेद है वैसा भाव वेद होता है। अब देवों की बात करते हैं, जो पुरुष यानी देव है वो द्रव्य से भी पुरुष है और भावों से भी पुरुष वेद वाले ही है, और जो देवियाँ हैं वो द्रव्य से स्त्रियाँ हैं और भाव से भी स्त्री वेद वाली है। भोग भूमि में भी ऐसा ही है, द्रव्य से पुरुष और द्रव्य से द्रव्य भाव वेद वाले, और जो द्रव्य से स्त्रियाँ हैं वो भाव से भी स्त्रियाँ ही हैं। नारकी सारे द्रव्य से भी और भाव से भी नपुसक वेदी ही है। अब कौन बचे, तीर्यंचल मनुष्य। अब तीर्यंचल मनुष्यों में अभी तीर्यंचल की बात करते हैं, एकेंद्रिय द्वेंद्रिय तीन्द्रिय और चतुरेंद्रिय सारे ही नपुसक वेदी ही होते हैं। अब पंचेंद्रिय तीर्यंचल मनुष्य जो कर्मभूमि के हैं उनमें द्रव्य से भी तीनों वेद पाए जाते हैं, भाव से भी तीनों वेद पाए जाते हैं एक बार, और उनमें भी मेजोरिटी तो जो द्रव्य से पुरुष है वो भाव से भी पुरुष होते हैं, परंतु उनमें ही ऐसे कितने ही जीव है द्रव्य से पुरुष होते हुए भी भाव से कोई स्त्री है और भाव से कोई नपुंसक है। यानी भाव से स्त्री का अर्थ क्या है, पुरुष होते हुए भी उनको पुरुषों के प्रति अट्रैक्शन है तो उसको कहेंगे भाव से स्त्री, और पुरुष होते हुए स्त्री के प्रति भी अट्रैक्शन है और पुरुष के प्रति भी अट्रैक्शन है, ऐसे भी जीव होते हैं तो उसको कहेंगे भाव से नपुंसक। तो ऐसे जो जो कहेंगे ना कि उल्टा पुल्टा जो भाव से और द्रव्य में वेरिएशन हो सकता है ये मात्र कर्मभूमि के मनुष्य और तीर्यंचों में ही हो सकता है। दूसरी बात, जिसका जो भाव वेद जन्म से है वो उस भाव उस पर्टिकुलर आयु में वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। हाँ बोलो, ये जो वेद है वो जन्म से होता है वैसे ही होता है कि फिर उसके परिणाम वही प्रणय बता रही हूँ, जन्म से जो वेद है वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शास्त्र में जो परिवर्तनशील ऐसा शब्द आता है, सिद्धांत कोश में भी लिखा है
परंतु परिवर्तनशील का अर्थ ही होता है द्रव्य वेद कुछ अलग और भाव वेद कुछ अलग, इसी को परिवर्तनशील कहते हैं असमानता को। परंतु जैसे क्रोध मान माया लोग पलटते रहते हैं, जैसे योगों का परिवर्तन होता है वैसे वेदों का परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता, ये शास्त्र का वचन और उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, परंतु ऐसे जीव तीनों ही वेद वाले जो द्रव्य से पुरुष है वो तो मुनि बनकर श्रेणी आरोहण करके मोक्ष भी जा सकते हैं, ये नियम। द्रव्य से पुरुष और भाव से स्त्री वेद वाला तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है, परंतु उस भाव में वो मोक्ष नहीं जाएगा। हाँ, देवता एक भाव करके वापस लौटकर पुरुष वेदी होकर भाव से भी पुरुष वेदी द्रव्य से भी पुरुष वेदी होगा, वही तीर्थंकर होगा। प्रकृति बांधने में उसके कोई रुकावट नहीं, कोई ऐसा भी होगा कि द्रव्य से पुरुष है और भाव से नपुंसक वेदी है, तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, उस भाव में उसका मोक्ष नहीं है। वो या नारकी का या देव का एक भाव करके वापस मनुष्य होकर तीर्थंकर होकर मोक्ष चला गया। ऐसे बहुत सारे नियम हैं, केवल वो भाव से स्त्री वेदी है इसलिए मोक्ष नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परंतु नवे गुणस्थान के बाद तो सारे अपगत वेदी ही होते हैं, यानी उस वेद सहित या स्त्री द्रव्य के स्त्री वेद सहित कोई मोक्ष जाए ये बात कभी भी नहीं हो सकती। जन्म से जो द्रव्य से स्त्री वो द्रव्य से स्त्री ही रहेगी, तो उस जीव की इतनी पर्याय की योग्यता है कि पांचवें गुणस्थान के ऊपर उसका पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा ही उस पर्याय का स्वभाव है। हाँ, पांचवें गुणस्थान यानी समय दर्शन होकर पांचवें गुणस्थान तक उसके इतनी स्थिरता हो सकती है आत्मा में, उससे अधिक नहीं। तो वो बाह्य से यानी जो मुनि बने और मुनि योगी छठा सातवां गुणस्थान होगा ऐसा कभी भी नहीं होगा, और वो श्रेणी चढ़ेगी या केवल ज्ञान होगा स्त्री पर्याय में बिल्कुल नहीं होगा, ये निर्णय हमें करना चाहिए। अगर इस संबंधी अगर निर्णय खोटा है तो हमारा तो केवल ज्ञानी संबंधी नहीं देव संबंधी सच्चे देव संबंधी निर्णय सही नहीं है, तो फिर आगे बढ़ने के भी कोई चांस नहीं है। तो ये सारे जो हम हमेशा जो देव गुरु शास्त्र का निर्णय कहते हैं उसमें ये निर्णय आवश्यक है, क्योंकि ग्रंथों में कहीं ऐसी उल्टी पुल्टी बातें हमने सुन के रखी है और बचपन में वो सुनी है बचपन से ही तो वही सत्य लगती है, परंतु अभी अवसर ऐसा आया है तो हमें अभी सत्य असत्य का निर्णय करना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल ग्रंथ रहे नहीं है, कालांतर में कुछ ऐसी रचनाएं हो गई है। अभी रागी द्वेषी जी हर काल में होते हैं और ऐसी अनेक ग्रंथ रचनाएं हुई है, परंतु हमें सही निर्णय करके आगे बढ़ना है। देव के निर्णय में ये सभी बातें आती हैं, इसलिए उसका निर्णय हमें करना चाहिए। जैसे अरिहंत भगवान है तो अंतर बाह्य उनका स्वरूप क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए ये सभी चर्चाएं कोई भी मार्ग ना लो। हमने उस दिन देखा कि अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं तो उनके जीव समाज पर्याप्ति प्राण ये सब उसमें लगाएंगे हम, कौन से योग होते हैं उनकी कौन सी द्रव्य से भाव से क्या होता है वो सब चर्चा वहाँ, यानी हमको निर्णय तक पहुँचना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे ज्ञान में सही निर्णय हो तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो वो करता हुआ कोई कुछ मानता हुआ हमें क्या, अरे जो जो मानने वाला है वो मान ही रहा है, तुम्हारी मान्यता उस संबंधी पक्की है कि नहीं है, आगम हमारे सामने है तो दुनिया पूरी इधर की उधर हो जाए, हमें डिगने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारे सामने आगम है, तो हम उसके अनुसार उसका निर्णय करें। और कर्णानुयोग के सारे नियम वहाँ पड़े हैं, उसमें कोई अपवाद नहीं, कर्णानुयोग के नियमों में कोई अपवाद नहीं होता। उसको ऐसे कहने में आता है नहीं पंचम काल है मुंडाव सर्पण है इसलिए ऐसी अनहोनी बातें उस ये ऐसी अनहोनी बातें नहीं होती उसके। अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसको जरा पढ़ के आगे बढ़ते देखो, ये किसको समान असमान होता है वो हमने देखा। वेद मार्गनानी अपेक्षाएं जीवों में वर्गीकरण करवाते वेद सहित जीव अने वेद विरहित अने अपगत वेदी जीव एवा बे भाग कही शकाय। नवमा गुणस्थान में वेद नो अभाव थाय छे, यानी उसके कर्म का उदय भी मिट जाता है, कर्म का उदय मिट जाता है। उपशम श्रेणी में तो उपशमित हो जाता है, दब जाते हैं उदय मिट जाता है, शपक श्रेणी में उन वेद नाम के जो कषाय कर्म है उनका क्षय हो जाता है।
તો કે તે ત્રણવાદ અભગત વેદી છે, આ ભાવ વેદની અપેક્ષા છે. દ્રવ્ય પુરુષ વેદી જીવ જ, અને જો દ્રવ્ય છે શરીર છે જો પુરુષ હૈ વેદી, છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં કે ઉપરના ગુણસ્થાનમાં જોવામાં આવે છે. દ્રવ્ય સ્ત્રી વેદી જીવ, એને જો સ્ત્રીયા હૈ વે પાંચમા ગુણસ્થાનથી ઉપર જઈ શકતો નથી. એકેન્દ્રિયથી માંડી ચતુરેન્દ્રિય સુધી બધા જીવો નપુસક વેદી જ હોય છે. બધા નારકી જીવો નપુસક વેદી હોય છે. દેવોમાં તેમજ ભોગમીના મનુષ્ય અને તિર્યંચોમાં સ્ત્રી અને પુરુષે બે જ ભેદ જડે છે. દોહી ઉનકી બોલે. देखो भोगभूमि की तो ऐसी बातें है, भोगभूमि जो पर्याप्त हो जाता है अंतर में, वहाँ मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, वो देवगति का ही बंधन, पूरे तीन पल्ले तक देवगति का ही बंधन है और मरकर देव में ही जाएंगे. यानी थ्रू आउट वो देव में जाने वाले या तो स्त्री पर्यावरण यानी स्त्री वेद को बंद करेंगे या पुरुष वेद का बंद करेंगे. यानी वहाँ वो तो नपुंसक वेद का बंद भी नहीं करेंगे इतने काल तक, क्योंकि जहाँ उत्पन्न होने वाले हैं जिस गति में, उस गति में जो वेद होता है उसका बंद होता है. अब वहाँ तो वही ऑप्शन है स्त्री या पुरुष का, तो वो तो नपुंसक वेद बांधेगी भी नहीं. हाँ, पर देव जो है वहाँ पर स्त्री और पुरुष है, वो तो मरकर या मनुष्य की रेंज में आने वाले हैं. हाँ, वो नपुंसक वेद भी बांध सकते हैं, स्त्री वेद भी बांध सकते हैं, पुरुष वेद भी बांध सकते हैं. कर्म भूमि ना मनुष्य ने तिर्यंचो में त्रणे प्रकार ना वेद जोवामा आवे छे. નવમા ગુણસ્થાનના સવેદ ભાગ સુધી વેદનો સદભાવ છે. નવમાનો બાકી ભાગ અને દૂસરા ભાગ વગેરે આગે દસમા અગિયારમા બારમા તેરમા અને ચૌદમા ગુણસ્થાનવાળા જીવો અપગત વેદી છે. હવે કશાય માર્ગના કુછ કર દેખેંગે હમ, ઉસમે ભી મૂળ દો ભેદ કરેંગે હમ, કશાય સહિત ઓર કશાય રહિત. તો કશાય રહિત જીવો કે ગુણસ્થાન કોઈ બતાના ચાહતે હૈ? और क्रोध वाले कहाँ तक है? नौवे के दूसरे मैंने कहाँ तक है? ग्यारह से गुजरने वाले भी दसवे तक ही कहेंगे ना, वो दसवे में होंगे. बीच में वो अकषाय होकर फिर कषाय हो गए, पर कषाय जीव कहाँ तक है? दस पे तक. ख्याल में इसका विभाजन कैसे करना? अकषाय कब करेंगे? जब तक ग्यारहवें में है तब तक अकषाय है. बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं. कर्म के उदय से जीव जड़ता नहीं है, वहाँ पूरा उपशमित है और उपशमित होने की मर्यादा अंतर्मुक्त है. उपशम उसका छूट गया, उपशम छूट गया, अपन कर्म के उदय से गिरा ऐसा कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्यारह में पूर्ण वितरकता एक समान है. चढ़ते समय तो विशुद्धि बढ़ रही है, हर समय अनंत गुण, परंतु वहाँ ग्यारह की लेवल एक समान है. वहाँ ग्यारहवा गुणस्थान है, वो उपशमित है तब तक ग्यारहवा, तो वो तो ग्यारहवें का काल समाप्त तो हुआ इसलिए दसवें में आया. फिर बाद में जो कर्मों की अवस्था होनी है उन्होंने, क्योंकि पूर्ण वितरकता में कषाय का क्यों उदय हो जाएगा? समझ में आई बात? हाँ, वही वो कालक्षय, कालक्षय यानी ग्यारहवें का काल समाप्त हो गया, यही उसका कारण है दसवें में आने का. आयु समाप्त हो जाएगी तो देह में उत्पन्न हो जाएगा. कालक्षय वहाँ तक वो दबे पड़े हैं, उदय में आते हैं इसलिए दसवें में आते हैं ऐसा नहीं कहूँ. जीव के स्वयं के वो तो लोभ परिणाम जो है, क्योंकि दसवें में उदय में आते इसलिए कहेंगे तो वो पहले उदय आया और जीव बाद में गिरा ऐसा कहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. यानी जीव के जो परिणाम होते हैं वैसा वहाँ एट ए टाइम दोनों कार्य होते हैं, तो कर्म के उदय से जीव गिरता ऐसा कहना योग्य नहीं है. जीव के स्वयं के वहाँ सूक्ष्म लोभ शुरू हो जाता है, वो उपशमित है ना, अब उसके शुरू हो गया उसी समय कर्म वहाँ उदय रूप हो जाता है. पहले उपशमित पड़ा था, दबा पड़ा था, एट ए टाइम दोनों कार्य हो गए. उदय से गिरे ऐसा कहेंगे तो उदय हुआ फिर गिरा ऐसा कहना पड़ेगा. समझ में आती बात? कुछ ग्यारहवा गुणस्थान पूर्ण वितराग कर रहा है,
तो ग्यारहवें गुणस्थान में कोई कोई उदय आने का सवाल ही नहीं है। तो दसवें गुणस्थान में जीव का सूक्ष्म लोभ शुरू हुआ, उसी समय वहाँ ये जो कर्म उपशमित पड़े थे उसका उपशम नष्ट हुआ है ना क्या, वहाँ जो यानी तो उसकी गैप तैयार हुई थी, वो बहुत लंबा प्रोसेस है श्रेणी का, तो उसमें से वो ऊपर के जो पड़े थे वहाँ पर, यहाँ जीव पर परिणाम करता है तो उसकी वो उदयावली वगैरह रचना होकर वो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, क्या क्या होता है उतरते समय वगैरह उपशम श्रेणी में, तो वो उसकी रचना होती है वहाँ पर, उसका उदय साइमल्टेनियसली चालू हो गया, यानी वो उदय आया और जीव गिरा ऐसा भी नहीं कहेंगे, कहने की पद्धति पड़ी है, परंतु उसमें हमें समझना है शरीर क्या है। उपशम का काल समाप्त होता है क्योंकि उपशम की मर्यादा थी अंतर्मुख, अंतर्मुख से अधिक वो उपशमित नहीं हो सकता। जैसे हमने बॉल ऊपर फेंका, बॉल ऊपर फेंका तो मोमेंटरी स्टेडी हो जाता है, तो फिर नियम से नीचे आएगा, तो स्टेडी हुआ और नीचे आ गया, इस तरह से उपशमित हुआ और फिर क्रम से नीचे आ गया। जो बिल्कुल नहीं, क्योंकि छठे का काल कितना है, छठे का कितना काल है, परसों बात नहीं में की कितना बड़ा है यथायोग, क्योंकि छठा सत्र छठा सत्र हजारों बार होता है, एक छोटे से अंतर्मुख में वो भी अंतर्मुख हमारे गिनने में नहीं आ गए इतने छोटा है, तो छठे का जितना काल है उससे भी छोटे काल में 7, 8, 9, 10, 11, 10, 9, 8, 7 हो जाते हैं, फिर जीव छठे में आता है, छठे के अंतर्मुख से भी छोटे काल में ये सभी श्रेणी के गुणस्थान हो जाते हैं। ये 48 मिनट में अंतरंग में स्थिरता होगी तो केवल ज्ञान होगा, ये तो बिल्कुल किसी भी आगम का वचन नहीं है, अंतर्मुहूर्त तक ये वचन है, वो अंतर्मुहूर्त को हमने 48 मिनट का बना दिया, अरे इतना लंबा काल नहीं लगता, वो तो सेकंड का भी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड हो जाता है, पूरी श्रेणी विक्षोभक श्रेणी भी इतने छोटे काल में चली जाती है। हम कहने की क्या, हमने बोला मिनिमम अंतर्मुहूर्त से मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त, सबका नाम है अंतर्मुहूर्त, लेस देन मुहूर्त इज अंतर्मुहूर्त, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कौन सा अंतर्मुहूर्त कितना बड़ा है इसके अल्प बहुत तो कहते हैं, आप लोग बोलते हैं ना सच संख्या क्षेत्र स्पर्शन अंतर काल अंतर भाव और अल्प बहुत, हमारे सारे आगम अल्प बहुत उनसे भरे पड़े हैं, तो ग्यारहवें गुणस्थान का काल कितना, क्षुद्र भाव का काल कितना, ये सब उसमें लिखा है, और इतने इतने बार ये बातें आती है, एक दो बार कहीं ऐसे ढूंढने से मिला ऐसा भी नहीं, जो विवेचन चलता है वो हर गुणस्थानों में मार्गनास्थानों में हर छोटी छोटी इतना विस्तार से है वर्णन, अभी इसके लिए आगम पढ़ेंगे तो ही ख्याल में आएगा, है ना। लोग पूछते कहाँ कहाँ लिखा है, हर जगह लिखा है ना, वहाँ जो उपशमित पड़े थे, उपशमित है वो गैप बहुत तैयार हुई थी, वो गैप में कोई परमाणु नहीं थे, अब गैप के ऊपर जो पड़े थे वो सूक्ष्म लोभ रूप से, अभी वो सूक्ष्म लोभ कैसे हुआ था क्या हुआ था वो तो लंबी चौड़ी कहानी है, उसके लिए उपशम श्रेणी पढ़ो या ये भावदीपिका वाली एक कैसे थे उसमें शपक श्रेणी में क्या होता है, उपशम श्रेणी में क्या होता है, और देख बिल्कुल सुनना देखो, क्योंकि एक बार सुनने से तो कुछ नहीं है, और आपके कोई कोई प्रश्न है, परंतु हम कोई भी विषय क्रम से अगर पढ़ते रहे तो कोई अड़चन नहीं आती। देखो शिखर जी जब चढ़ते हैं ना, तो हम गए थे शिखर जी, तो मेरी जेठानी शिखर की तरफ देखा, बोलो पैर के नीचे की जमीन देखो, और जमीन देखकर एक ही पैर नाखना है, तो एक ही पैर आगे डालना है, बस इतना सोचो और कुछ नहीं सोचो, अरे तो चढ़ते चढ़ते ऊपर जल चढ़ जाते हैं, कोई डर नहीं है, मैं तो हाय 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 समय हो गया अपना हाय हाय।